रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है YouTube का एक एक जेल अंदर से कैसे होता है जेल अंदर से कैसे होता है हाँ. आपके नजरिए से क्योंकि एक गेस्ट आए थे जिनको जेल में डाला गया एक स्टैंड अप कॉमेड है मेरे दोस्त है मुनावर फारूकी उन्होंने एक राइटर के परस्पेक्टिव से जेल को डिस्क्राइब किया था इस शो पर फिर मतलब यू नो ही वाज वाज ही आउट ऑफ जेल आल्सो वेरी सून पर जो एक्चुअल क्रिमिनल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म जेल सेंटेंसेस होती हैं जिनकी आ, sure कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता होगा पर आप एक पुलिस लीडर हो तो आपके नज़रिए से जेल कैसा होता है? जेल से जो बाहर निकला उनसे बात करने से मेरे को जो जो जानकारी मिली है अभी नहीं कई सालों से अभी भी रिसेंटली एक्सपीरियंस में रिटैमन के बाद एक लड़का है वो दो दो यंगस्टर्स दो है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का या ट्वेंटी फाइव का उनका बिजनेस पार्टनरशिप है तो ये एक पार्टनरशिप पार्टनर को कुछ परेशानी लगा कि उसको पैसा कम मिल रहा है फीलिंग था उसने बोला कि नहीं इसको हम फँसएंगे छोटा तो तू मै में, में हो गया उसमें बोला कि नहीं तुमको बाहर जाना था विदेश जाना था बोला कि तुमको जाने नहीं देंगे बोला कि यार अरे यार मैंने क्या कर दिया तू क्या करेगा एंड ये पास एयरपोर्ट पहुँचे और उसने पैसा दे दिया पुलिस को सही बात है हम वन रखा हुआ था वाघन तामिला बोला कि पकड़ के लाए उसको जेल में बंद कर दिया कर्नाटका में अब फोन भी इस ले, ले लिया इसको फ्लाइट पकड़ के जाना था अमेरिका में या कहीं जाना था वहाँ में लो वेट कर रहा था अब फ्लाइट जाने में ग्यारह आधा घंटा लगता ही है और पेरेंट्स केरला में सोचा कि ये तो चला गया आ इनको पकड़ के जेल में डाल दिया दो दिन जेल में रखा खूब पिटाई उटाई किया पैसा दे करके उसने फॉर नो रीज़न उसको उसको जेल भेज दिया जेल में उसको बेल हुआ नहीं है इक्कीस जेल में रह गया ये जेल से आने के बाद मेरे पास आए कहानी सुनाने के लिए हमने बुलाया उनको वो कहता कि जेल आपको पाँच सौ रुपया प्रॉमिस करो आपको सेल फोन वो दे देगा मैं वहाँ पर ये लगा हुआ है जो कटआउट लगा हुआ है इसलिए एक ही जगह उसका आवाज़ मिल सकता है बाथरूम में जो कमोड़ है कमोड़ के अंदर जाके पानी के पास जाना है कमोड़ यू नो हाउ क्लीन इट इज़ वहां पर पानी के अंदर जाके ये फोन लगा कर अभी वहीं बात करता है वो कहते अपने पापा से बात करने के लिए फाइव हंड्रेड रुपीज़ एक मिनट के लिए फाइव हंड्रेड रुपीज़ मिलेगा वहाँ से पर वो प्रॉमिस कर दिया पापा उस वक्त तो हो गया ना इक्कीस दिन में चार पाँच दिन के बाद तो खबर मिल गई तो पापा को मालूम हो गया तो फिर वेरिफिकेशन हुआ लोग वही पहुँच गए पापा भी वहाँ पहुँच गए पापा से कोई पैसा इसने लिया जेल के अंदर तो ये ये एग्जाम्पल से हमको लगता है कि इट्स इट्स अनदर अंडर वर्ल्ड अंडर वर्ल्ड वहाँ पर हर तरह का क्रिमिनल है हर तरह का क्राइम है हर तरह का गलत काम हो रहा है और जहाँ जेल सुपर जेल डायरेक्टर जेल का इंचार्ज है सही आदमी है तो वहाँ पर ये नहीं होगा आपने सुना होगा किरण बेदी जेल में तिहाड़ जेल में जो इसे कमांड किया तो किरण बेदी ये सर तो कम है जहाँ पर जेल अथॉरिटीज अगर टफ़ रहता है आप बुलंदी से काम करता है आप सिंसियरली काम करता है ईमानदारी से काम करता है तब तो इसका नहीं होगा तो तो जेल जेल ही रहेगा अदरवेज तो जेल बिकम्स अन अंडरवर्ल्ड वहाँ से क्राइम करने का तरीका क्राइम करवाने का तरीका सब चलता है इसका कोई सोल्यूशन है बहुत है वहाँ हम डायरेक्टर ठीक बने वहाँ का जो, वह जो इंटायर जेल के स्टाफ को ठीक कराएँ और क्रिमिनल में जो आते हैं जो जेल में आते हैं उसमें एट्टी परसेंट एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट सस्पेक्टेड है कन्विक नहीं है कन्विक्ट आई कैन अंडरस्टैंड सस्पेक्टेड है तो सस्पेंड करके किसको आप आप दो साल तीन साल पाँच साल जेल में रखेंगे तो वो तो गलत है ना जो तो ट्रायल होते नहीं है जुडिशरी में इतना जबरा सिस्टम में इतना वीकनेस है कि वो ट्रायल होते नहीं है ट्रायल लेट होती है तो वो आदमी इंसान सही आदमी हो सकता है वो गलत आदमी नहीं हो सकता है ट्रायल के बाद वो अक्टो एक्विटल हो जाएगा खारिज हो जाएगा केस तब तो वहाँ निकलेगा दो साल के बाद तीन साल के बाद पाँच साल के बाद ये पाँच साल रह गए ना अंदर अंदर रहते समय वो वो कायम सीखने का तरीका वो सीखेगा क्रिमिनल बन जाता है तो बहुत से अच्छे लोग वहाँ जा कर के क्रिमिनल बन जाता है ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारे यहाँ आम जेल में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ गया और अंडर अंडर ट्रायल का ज़्यादा होने से परेशानी बहुत है कुछ ऐसी क्राइम सीन थी जो साइकोलॉजिकली आपके लिए भी बहुत मुश्किल थी तो प्रोसेस बहुत सारे मैंने छोटा बच्चों को मैंने बताया पलामू का उससे लेके हर हर क्राइम सीन रेप सीन छोटे बच्चे के लड़कियों के साथ ग्यारह uh, साल के लड़के वेटा तरीब होता है एंड ब्लड कम्स आउट इंसान कैसे क्रूअल हो सकता है हाउ कैन पीपल बी सो क्रूअल दैट यू वायलेट समबडीज राइट्स एंड मेक एंड एंड डिमोलिश द पर्सन तो इसलिए हर क्राइम सीन इंपैक्ट uh, होता है इंपैक्ट ऑन द विक्टिम इंपैक्ट ऑन द कॉन्शंशियस वाली हिसाब से उनको भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता ही है ओके okay. डिस्क्राइब मत करो पर अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल अगर आप शॉर्ट में थोड़ा सा बता सकते हो जस्ट फॉर पर्स्पेक्टिव अभी को समझे कि आपने क्या क्या देखा आपके टनियोर में वेल well, क्राइम uh, के बारे में आप देखेंगे तो आपने पूछा था एक मर्डर केस के बारे में तो एक मर्डर जहाँ हुआ था वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली uh, होना नहीं चाहिए था तो दो ग्रुप में डिस्प्यूट था लैंड uh, प्रॉपर्टी के लिए तो एक ग्रुप ने पैसा दे दिया इंस्पेक्टर साहब को दूसरा ग्रुप ने पैसा दिया सब इंस्पेक्टर साहब को तो सब इंस्पेक्टर बोला कि तुम खाली करो मैं देख लूँगा उसने बोला कि तुमको खाली नहीं करना पैसा मेरे को दे रखा है तो एक संडे के दिन उसने दोनों पार्टी लड़ गए और इंस्पेक्टर साहब कहीं बाहर चले गए तो सब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच गए सब इंस्पेक्टर देखा कि यार तो पैसा दे मैंने दे रखा है कि खाली करने वाला कौन होता है बोला कि देखो वो पकड़ा है वो उसने बोला खाली करने के लिए उसने किसी का प्राइवेट गांड ली छीन लिया उसको मार दिया उसने शायद सोचा नहीं होगा कि मार जाएगा मारा उसको छाती पर लगा वो आदमी मार गया उनका अब वहाँ पर खून से लथ आदमी वहाँ पड़ा वहीं पर अब दिन का दिन में इंसिडेंट हुआ है अब वहाँ जो लोकल पुलिस ऑफिसर डी वाई एस पी और एस डी एस एस डी एम साहब ने काफ़ी कोशिश किया उसको मनाने के लिए वो नहीं पाया शाम हो गया तो उन्होंने बोला कि परेशानी है रात में हम मैनेज करने के लिए कोशिश की रात होगा तो निकल जाएंगे पब्लिक पब्लिक भी जमा था नहीं हुआ और करीब बारह बजे रात में मेरे को फ़ोन किया कि साहब साहब आपको आना पड़ेगा इसी जगह मैंने कहा यहाँ से तीन सौ पचास किलोमीटर दूरी है तो अभी आना है अभी आता हूँ साहब नहीं आएगा तो थाना को जला देगा ठीक है मैं आता हूँ हाँ ये भी बोला कि कलेक्टर साहब को भी आना है मैं क्यों मैंने बोल दिया कि कलेक्टर एस भी आ रहे हैं तभी होगा अरे इंसेंटली कलेक्टर मेरी वाइफ है तो मैंने उनको उठाया चलना अभी तो बाकी आप मिनट हम कराया अब दोनों रात में वहाँ से चले साढ़े तीन घंटे लगा उसमें पहुँचने में साढ़े तीन साढ़े तीन सुबह साढ़े तीन पौने छः बजे वहाँ पहुँच गए गाड़ी के ऊपर हम लोग खड़े खड़े हो गए आप पब्लिक अनाउंस किया कि हम लोग आ गए आपने बुलाया आप जो घटना देखा है चाक आदमी रहिए बाकी लोग आ जाइए चाक आदमी मेरे को बताना क्या हो बाकी अपना शांति से जाइए सुबह साढ़े सात बजे आकर के मेरे से पूछना क्या किया भरोसा है तो जाइए सब जैसे जैसे चला गया ये मक्खी निकल रही है ऑल ऑफ द वेंट अवे अब फिर हमारा काम है कि रेस्पॉसबिलिटी मेरा ज़्यादा है मैंने इन, इन्वेस्ट कराया कि देखा कि सब इंस्पेक्टर ने मार दिया मैंने उनको वही थाना में था ही वो भाग नहीं सकता वहाँ हम तो मजमा था मैंने उनको बोला कि क्यों किया भाई बड़ा सा गलती हो गया तो एडमिट भी करता है बट वजह क्या है देन आपको एंटायर स्टोरी निकल गया अभी सब इंस्पेक्टर को मैंने कहा बेटे आपको एक मौका देता हूँ आप अपना यूनिफॉर्म बदल लो यूनिफॉर्म में आग नहीं कराना नहीं चाहता हूँ आप जाके घर में जाके वहीं पर जाकर अपना यूनिफॉर्म बदल के आ जाओ सिविल ड्रेस में आ जाओ सिविल ड्रेस में आया उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के मैंने बोला कि आपको आपको आगज करने जा रहा आगज़ करने जा रहा हूँ तब आकज करने के पहले ये छोटी बात है बट आई हैव टू डेड बॉडी आउट कर सुबह आएंगे तो डेड बॉडी है ना वहाँ परेशान हो जाएंगे बट मकान चलेगी छोटा छोटा सीढ़ी है तीन मंजिला मकान है वहाँ पहुँचे खूब मोटा आदमी आप नीचे पड़ा हुआ इतना खून है वहाँ पर उनका पेट इतना भूल गया दिन में हो गया ना हाँ एक लेडी बैठी हुई थी उनका बाल बाल सो ऐसे गिरा हुआ था जैसे हमको यूनिफॉर्म में देखा वो हमको पकड़ करके हमको लेफ्ट राइट लेफ्ट मारना शुरू कर दिया वो लेडी आई वॉज कंट्रोलिंग सेल्फ आई हैव टू कंट्रोल शी इज टेकिंग आउट आउटियंस मेरे साथ सब इंस्पेक्टर क्या बोला मारो एस पी साहब हैुप चुपचाप चुप रहो ये खूब मारा दो चार विदा खुदा मारा के बेहोश होकर नीचे गिर गई फिर मेरी वाइफ थे वहाँ पर कलेक्टर थे उन्होंने सांत्वना दिया उनको पानी वानी दिया के उनको बैठा के उनको दिन बैठा करके उनको लिटा करके मगर मेरा काम है कि डेड बॉडी निकालना अब रिपेयर होकर हम गए थे इतना मोटा आमी को तीन फ्लोर से निकलने का उस वक्त तो सिस्टम तो कुछ था ही नहीं सिस्टम ग्राह करके पूरा बॉडी को मैंने देखा ब्लड किया है कहाँ चोट लगा है नाउ इमोशनली यू आर इफ़ यू आर डिस्टर्ब नथिंग वर्क यू हैव टू कंट्रोल इमोशंस उस शब्द आपको काम लेना है यू हैव टू बी अ पुलिस ऑफिसर दे यू आ पुलिस ऑफिसर यू और ट्रेन पुलिस ऑफिसर तरीके से पूरा डेड बॉडी निकाल के गाड़ी में रख कर के अब रास्ते में खून बहुत है आते समय खून बहुत निकला हुआ है अब सुबह पब्लिक आके देखेंगे तो क्या करेंगे डायरेक्ट ना बच्चे छोटे छोटे बच्चे हुआ बहुत है तो फिर हमको पानी ऊपर से ला के पूरा सफाई करना पड़ा ये भी हमारा काम आप पूछें कि पुलिस का यही सब काम होता है तो होता है तो एंटायर एरिया को सफाई करने का सफ़ाई करने के बाद उसको पूरा मकान को भी साफ़ करने का कमरे को साफ करने का और बाकी जो जो एविडेंस निकालने का एविडेंस निकालने के, के बाद ही सफ़ाई कराया ये जो काम जो होता है ना तो उस वक्त दिस इज दीन ऑफ क्राइम और इस सड़का का ही है एवरी क्राइम इज़ डिफरेंट हर हर सीन डिफरेंट होता है आजकल आपका साइबर क्राइम तो कम्प्लीटली डिफरेंट है उसमें भी है बट वायलेंस uh, होता ही है बट डिफरेंट कम्पलीटली डिफरेंट क्राइम आप क्राइम के बारे में जानकारी आप जरूर रखिए आप एक्सेप्ट करिए क्राइम होता ही है और क्यों होता है आप समझ लीजिए अब स्कूल में बच्चों को ड्रग्स देते हैं कई स्कूल में केरला में भी मैंने देखा ट्रवाडा में भी देखा तो हम लोग अगर पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर जा कर के रेड कराए ड्रग्स लेके आए ख़त्म नहीं हो रहा है तो बच्चों को जानकारी देना है बेटे ड्रग्स देने से क्या होगा ये एक बार आप ड्रग लिया यू कम यू आर गोइंग टू गोइंद ड्रग एडिक्ट यू आर हार्मिंग यूर सेल्फ भगवान ने आपको शरीर दिया है ड्रग्स खाने के लिए नहीं खाना खाने के लिए ये ड्रग्स से आप आप नशीले पदार्थ से यू आर स्वाइलिंग या माइंड यू आर ब्रेन एंड योर बॉडी ये मैसेज बच्चों को हम तरीके से दे देंगे बच्चे समझ लेगा अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते।